स्टूडेंट्स वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन का सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या जाना, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि कॉम्पोजिशन होता क्या है, कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं और कॉम्पोजिशन के पार्ट्स। फिर हमने जाना वाइवावोस और वाइवावोस के पार्ट्स। अब वाइवावोस कितने टाइप्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, नैरेटिव होता है, एक्सटेम्पोर होता है। तो ये सारे वाइवावोस के टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, क्या होता है वो जानते हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट वे फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश वोकैबुलरी एंड अदर स्किल बिसाइड्स स्पीकिंग सच एज लिसनिंग और राइटिंग। लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग से अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त, होती है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स, हम चीज़ों का मतलब समझ पाएँ, एक वर्ड है उसका मतलब जान पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएँ चीज़ें। And also speaking or conversing, picture description gives us many possibilities to practice vocabulary in all kinds of areas and it can also bring about all sort of conversations and discussions and a great variety of lessons depending on the point you want to focus on. आप किस पॉइंट पे फोकस करना चाहते हैं, दैट इज द मेन थिंग। आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चीज आएगी। डिस्क्रिप्शन होता है, हमने कोई चीज देखी, मानो आपको एक फोटो दे दिया गया है, अभी एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर टीचर्स टू टेस्ट मेनी डिफरेंट टॉपिक्स इन एग्जाम्स एंड इंग्लिश टेस्ट। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन से हमारे पास पॉसिबिलिटीज, हमारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और जोन्स को लर्न करने के लिए। अगर हमें कोई चीज़ दे दी है, स्टैटिक कोई चीज़ दे दी है, तो उसके बारे में हम नए नए वर्ड ढूंढ के लिखेंगे, तो नए वर्ड ढूंढेंगे, उनका मतलब जानेंगे और मतलब याद हो जाएगा। तो हमारी वोकैबुलरी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इम्प्रूव होती जाएगी और ये एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन राइटिंग का एक बेनिफिट है। ये डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट यू वॉन्ट टू फोकस, आप किस पॉइंट पे फोकस करना चाहते हो उस एरिया में, जिस पे भी आप फोकस करोगे। ये तो सिंपल सी थ्योरी है जो हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है कि जिस पे आप फोकस करेंगे वो आपका इन्हांस हो जाएगी, वो चीज़ आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। तो इंग्लिश टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत ही बेस्ट है। पिक्चर प्रोवाइड सीरियस लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड कैन बी इंडिविजुअल इन द क्लासरूम फॉर स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन एंड ब्रिंगिंग इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लेसन। मतलब बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ लेसन हमारे पास आ जाते हैं जब हम पिक्चर या लैंडस्केप डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप और पिक्चर की बात करें तो आपने कुछ देखा, उसको देखने के बाद आपके खुद के विचार, आपके विचार क्या हैं, आपने उस चीज़ को कितनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव लिख पाएंगे और उस लिखने के लिए आप उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी और क्रिएटिव वर्ड्स को ढूंढेंगे। सो नाउ स्टिम्युलेटिंग डिस्क्रिप्शन ब्रिंग इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लेसन्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड द टीचर विद अ फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट टूल टू टेस्ट मेनी डिफरेंट थिंग्स इन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में क्या है, अगर हम एग्जामिनेशन में कोई इस तरीके की चीज़ आती है तो वो क्या है, तो टीचर क्या टेस्ट करना चाह रहा है एक स्टूडेंट में, कि वो कितना क्रिएटिव है, ये भी एक चीज़ हो सकती है, उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, ये भी एक चीज़ होती है। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबल वेरिएंट हैं जो कि एक टीचर आपको एक लैंडस्केप कंपोजिशन या फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो जानना चाहता होगा आपके अंदर। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी सक्षमता को देखा जा रहा है कि आप कितने कैपेबल हैं चीज़ें करने के लिए, चीज़ें लिखने के लिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ताजमहल का आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो ताजमहल का एक पिक्चर दे दिया। अब ये तो आपकी जनरल नॉलेज हो गई, थोड़ा कॉमन सेंस हो गया कि कोई चीज़ आपको जान पहचान की है, तो आप उसके बारे में जो प्रायर नॉलेज है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो आप लिख सकते हैं। मानो कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दिया या कोई ऐसी पिक्चर दी जो आपको नहीं पता हो, आप अनजान है उस चीज़ से, तो फिर आप तब कैसे लिखेंगे। मानो ताजमहल दिया, तो ताजमहल तो सबको पता है भाई, ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है, शाहजहां ने बनवाया है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। आप ताजमहल की आर्किटेक्चरल ब्यूटी डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत चीज़ें हैं जो आपको जनरली पता है, वो आप डिस्क्राइब करके इसको बना देंगे। लेकिन तब क्या, अगर कोई चीज़ है जो आपने नहीं देखी है, आपको पता नहीं है, तो क्या आप पॉइंट उसको कंसिडर करके लिखेंगे। हेयर आर फ्यू गाइडलाइंस गिवन टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। आप पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, कैसे ध्यान से देखना है पिक्चर को, क्या पता हमें कुछ जान पहचान का निकल ही आए। दैट सिंपली मीन्स हम पिक्चर को पहले से अगर देखा हुआ है, जानते हैं वो साइट जो आया हुआ है, देन
वी आर एबल टू राइट, अदरवाइज हम उसमें कुछ ढूंढेंगे कि शायद कुछ हमारा रिलेवेंट इस पिक्चर में हमको मिल जाए. नेक्स्ट इज यूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टू टेल व्हाट्स हैपनिंग. हम नॉर्मल सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, हम बहुत भारी भारी सेंटेंसेस नहीं यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटीन्यूअस टेंसेस. तो हमारा सेकेंड कह रहा है कि हम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. यूज़ अल्टरनेटिव वर्ड्स और पैराफ्रेज इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड. अगर आपको कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, जैसे आप नहीं जानते कि आप इस वर्ड की जगह क्या लगाएं, जैसे मानो एक वर्ड है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि अच्छा तो है, साथ ही साथ इसमें ये बुराई है, तो अब आपको नहीं पता कि अच्छाई और बुराई के लिए आप एक साथ क्या वर्ड यूज़ करें. तो आप उसके लिए या तो कोई और वर्ड यूज़ करिए या फिर आप कोई पैराफ्रेजेस, कोई लोकोक्ति वगैरह यूज़ करिए, सो दैट वो अच्छा लगे पढ़ने में. जैसे कि अच्छे और बुरे के साथ अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज़ गुड एज वेल एज बैड. को हम क्या लिखेंगे, इट इज़ बोथ वेज. तो हम ये लिख सकते हैं ना, इट इज़ बोथ वेज. तो हम भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स की जगह पर. डू नॉट यूज जनरल टर्म्स टू डिस्क्राइब पीपल और आइटम्स. यू नीड टू यूज़ द वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू योर लेवल. आप किस लेवल पर लिख रहे हो. अब भाई पिक्चर डिस्क्रिप्शन अगर छोटा बच्चा लिख रहा है तो वो छोटे के हिसाब से लिखेगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन तो फिर आप उसमें अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे. जनरल टर्म्स आप यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आप यूज़ करेंगे टेक्निकल टर्म्स. जैसे कि अगर आपको लिखना है कि यमुना का पानी गंदा होता चला जा रहा है, तो यू विल नॉट यूज़ द वाटर इज़ गेटिंग डर्टी. You will try to use heavy words like the filthy atmosphere, making it dirty or gaudy. तो इस तरीके के words आपको use करने हैं, technical terms type. अगर हम कोई word describe करें, जैसे अगर हम बोल रहे हैं he is fond of greenery, he is fond of forest, he like forest, तो हम ये नहीं बोलेंगे he like forest, he loves forest. तो हम उसके लिए word, इसके लिए एक technical term हम नेमोफिलिस यूज कर सकते हैं. नेमोफिलिस मतलब क्या होता है, फॉन्ड ऑफ वर्ड्स. तो हमने उसको सिंपली कह दिया कि ही इज़ अ नेमोफिलिस. दैट सिंपली मीन्स दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ वर्ड्स. अब हमने वहाँ पर नॉर्मल बच्चों की तरह ही लाइक्स वर्ड्स और ही लव्स टू गो इन द फॉरेस्ट, इस तरीके के हमने वर्ड्स नहीं यूज़ करे. गिव फुल आंसर्स, अवॉइड यूजिंग वन सिंगल वर्ड और लिस्ट. सिंगल वर्ड और या फिर लिस्ट यूज करने से बेहतर है कि हम उसकी पूरी डिटेल दे, डिटेल आंसर हम करेंगे तो वो बेटर रहेगा, स्पेशली डिस्क्रिप्शन के टाइम पर. इफ देयर इज अ पर्सन पीपल यू मस्ट डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस. अगर हम किसी पर्सन या लोगों की बात कर रहे हैं तो हम उनका बेटर है कि उनका अपीयरेंस भी बता दें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, हमने डिस्क्राइब किया, हमने बोला और सामने वाले ने समझा, तो हम उसे डिस्क्राइब करेंगे तो वो एक फिगर भी बनवा पाएगा ना उस इंसान की. तो जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हमें उसका अपीयरेंस भी बताना बहुत ज़रूरी होगा. कीप टॉकिंग, डू नॉट गेट स्टक ऑन वर्ड्स. मतलब आप अगर बोल रहे हो तो आप बोलते जाइए, ये नहीं कि अगर आप किसी एक वर्ड पे रुके हैं तो आप उसी पे अटके रहेंगे. स्टक, डोंट गेट स्टक ऑन अ वर्ड. मेक गेसेस, आस्क क्वेश्चन, पैराफ्रेज एंड गिव एविडेंस टू योर स्किल्स. मतलब आप एविडेंस दीजिए, जैसे हिस्टोरिकल एविडेंस कि ये चीज़ इतने में बनी, ये चीज़ ऐसे हुई, यहाँ पर ये बैटल हुआ, ये युद्ध यहाँ पर हुआ था. तो इस तरीके के आप उन्हें एविडेंसेस भी दीजिए, सवाल पूछिए. मतलब आप बात एक नॉर्मल कैजुअल टॉकिंग वे में आप उसको लिखिए, आप नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में से करिए. जैसे कि इज़ इट गुड पीपल लॉबिंग डर्ट हेयर, तो हमने को सवाल भी किया साथ के साथ, हम बताते भी जा रहे हैं. ट्राई टू डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन टूवर्ड्स समथिंग यू कैन ईजीली टॉक अबाउट. अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्वर्जेशन को इतना भारी नहीं बनाना है कि जिस पॉइंट पे हम बात ना कर सके. तो कॉन्वर्जेशन को हमें उस डायरेक्शन में लेके जाना है जहाँ पे भाई हम अपने कंफर्ट जोन में हो, मतलब हम उस टॉपिक को अच्छे से जानते हो, हम उसके बारे में आराम से बात कर सके, आराम से लिख सके हम. नाउ द लास्ट वन इज कीप आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर और पार्टनर एंड बी एनिमेटेड. मतलब क्रिएटिव रहिए उस टाइम पर जब आप बोल रहे हैं. शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डोंट बी टू शाय. ज़्यादा हद से ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर. अगर आपको कोई पॉइंट अपना प्रूफ करना है या कोई पॉइंट रखना है तो बेझिझक वो एक्सप्लेन करिए, बेझिझक उसको रखिए. और एक आई कॉन्टैक्ट से हमें पता चलता है, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. इवन यू आर गोइंग टू अ इंटरव्यू और एनी एग्जामिनेशन,
एग्जामिनर से या फिर सामने वाले से आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको दिखाता है कि आपको कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है वेन यू आर इन एन इंटरव्यू। वाइल राइटिंग तो दिस कैन नॉट बी डन, ये चीज़ हम नहीं कर सकते जब लिख रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूरी है कि हम अपने पॉइंट को अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। नाउ नरेशन, नरेशन क्या होता है? नरेशन एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी रिफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड एंड वेल सीक्वेंस्ड वर्बल अकाउंट एन ऑब्जेक्ट और इवेंट, रिकाउंट सम पास्ट एक्सपीरियंस और इंसिडेंट, टेल स्टोरीज एंड द लाइक टू पीपल इन सच एन इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वे दैट इट मे बी एबल टू प्रोड्यूस अ क्लियर विविड इंटरेस्टिंग एंड एन ऑर्डरली पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल फॉर देयर क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी ग्रास्पिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। मतलब नैरेशन का इतने बड़े का सिंपल सा मतलब है, नैरेशन मतलब होता है नैरेट करना, कुछ बताना, कुछ समझाना। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ ने अच्छे तरीके से आप कुछ समझा पा रहे हैं, कि ये क्लियर विविड पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो रहा है सामने वाले को सुनना, उसको समझ में आ रहा है, और क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी ग्रास्पिंग मतलब वो समझ भी पा रहा है बहुत ईजिली, बहुत जल्दी समझ पा रहा है, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बना रहा है। मतलब आपने उसे इस तरीके से समझाया है कि उस को समझ में भी आया, उसको पूरे तरह से उसने ग्रास भी किया है, उसको समझ में भी आ रहा है, उसको याद भी रहेगी अब वो चीज़। फिर आप उसे कुछ भी समझाएं, कोई इंसिडेंट समझाएं, कोई स्टोरी उसे समझाएं, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस से समझाएं, आप उसे कुछ भी एक वेल ऑर्डर और सीक्वेंस में समझा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं वर्बल अकाउंट पे, मतलब मुंह से बोल के आप उसे समझा रहे हैं, और इतने अच्छे समझा रहे हैं कि वो समझ भी गया है, उसे याद भी रहेगा, उसे इंटरेस्ट भी आ रहा है, एंड ऑल दोज इंटरेस्टिंग वेज़।